शायान की दो मिस कॉल्स आई हुई हैं। मैं कॉल बैक कर रही हूँ तो उठा नहीं रहा, अजीब है। किसी मसले में फंसा होगा, वैसे भी ट्यूबलाइट की बंद होने के बाद सबकी बैंड बजी हुई है। आयशा आई थी मुझसे मिलने। अच्छा। किरण के बारे में कुछ कह रही थी कि वो ट्यूबलाइट को और मारना चाहती है, कुछ पेपर साइन करवाए। रियली डोंट नो द डिटेल्स, बट आप जब गिरे हुए होते हैं ना, लोग आपको और गिराने की कोशिश करते हैं, फायदा उठाते हैं। तुम्हारी शायद से बात हुई थी? आई मीन यू टू वर इन टच, राइट? या खैर, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे लॉयर ने क्या जादू चलाया जो मैं एकदम से निकल आया हूं। यार मैंने ज्यादा पूछा नहीं, पापा कह रहे थे कि एंड रिजल्ट पे ध्यान दो ना, प्रोसेस में क्यों पड़ रही हो, सो आई डिडंट बॉदर आफ्टर दैट। खैर ये भी ठीक है, बट आई होप एवरीथिंग वाज डन लीगली, मैं कहीं फिर से अंदर ना हो जाऊं। या डोंट वरी अबाउट दैट, सब सॉलिड हुआ है। लेट्स होप। शायन की तरफ चले। मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ऐसा भी क्या काम है कि दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? नो इट्स नॉट दैट, पापा ने इतना बड़ा फेवर दिया है ना, सो फिर इट्स ओनली फेयर कि अगर वो मुझे बुला रहे हैं तो मैं उनसे जाके मिल लूं। हाँ चलो, मुझे ड्रॉप कर दो। आई ड्रॉप यू। खैर तो है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। इतने ज्यादा लोग, आई थिंक कुछ कुछ हुआ है। शायान, मेरे कभी बने नहीं अब्बास। उस दिन जब वो शादी में हमारे साथ नाच रहे थे तो मुझे लगा सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसा मेरे बचपन में था।
मैंने खुद से वादा किया था कि आज के बाद कभी उन्हें नाराज नहीं करूंगा, कि कहीं ना कहीं से मैं मौका ढूंढ ही लेता हूँ। बहुत सी बातें कर ली थी, बहुत माफी मांगनी थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अल्लाह की अमानत थी, उन्होंने ले ली। तू हिम्मत रख, घर का बड़ा तू। काश मैं बड़ा बन के रहता। कितनी गलतियां की हैं मैंने, जिनकी माफी भी नहीं। उस दिन जब अब्बा को अटैक आया तो तब भी मैं उनसे लड़ा। मैंने मारा है उन्हें। ऐसा ना क्या यार, गलतियां तो सबसे होती। सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैं खुद दूं। तू प्लीज अम्मा और बहन का ख्याल रख, अब्बा ऊपर देख के खुश होंगे।